नए वेरिएंट की चादर ओढ़कर कोरोना फिर से वापस आ गया है। आप लोगों को जरूरत है कि सतर्क रहें। देश भर में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, चिंता का विषय है ये। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के नए सब वेरिएंट से 6 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि पूरे देश में 2669 एक्टिव मरीज हैं। अकेले केरल में 300 नए मरीज मिले हैं जो कोरोना के नए सब वेरिएंट से पीड़ित हैं। कोरोना से पिछले 24 घंटे में देश में 6 लोगों की मौत हो चुकी है। कर्नाटक में 2, पंजाब में 1, केरल में 3 लोगों की इस वेरिएंट से जान जा चुकी है, जबकि एक्टिव केसेस देश भर में है 2669। केरल से कोरोना के 300 नए केस सामने आए हैं। दुनिया में कोरोना ने खतरनाक वापसी कर ली है। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना से 6 लोगों की मौत हो गई है और कोरोना के एक्टिव केसों का आंकड़ा 2500 के पार जा चुका है। कोरोना के नए JN.1 वेरिएंट ने बेहद तेजी से अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। भारत में इस वेरिएंट के अब तक 21 मरीज सामने आए हैं, लेकिन सिर्फ भारत ही नहीं, अमेरिका, ब्रिटेन और चीन तक ये वेरिएंट लोगों को बीमार कर रहा है। इसीलिए एक दिन पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ बैठक की और लोगों से अपील की कि वो घबराएं नहीं। हमारी सहयोगी प्रियंका लाइव जुड़ रही हैं, उनका रुख कर लेते हैं। प्रियंका, हमने देखा कि स्वास्थ्य मंत्री तो बैठक कर ही रहे थे, उन्होंने निर्देश दे दिए, लेकिन सबसे बड़ी बात जो हम देख रहे हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री है, तो क्या उड्डयन मंत्रालय की ओर से भी कोई फैसला लिया जा सकता है कि वहां पर चेकिंग कराई जाए, आरटीपीसीआर टेस्ट अब एयरपोर्ट पर ही हो? देखिए, अभी केरला के लिए तो ये बात की जा रही थी कि वहाँ पर जो WFS है वो किया जाएगा, लेकिन जिस तरीके से लगातार मामले बढ़ रहे हैं तो ये जाहिर तौर पर जो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है वो इसको लेकर भी फैसला ले सकती है। हालांकि अभी हॉटस्पॉट की अगर बात करें तो केरला और गोवा जैसी जो जगह हैं और ये कुछ ही स्पॉट्स हैं जो अभी हॉटस्पॉट बने हुए हैं, बाकी राज्यों में इसके मामले कम हैं, लेकिन संक्रमण कम हो इस वजह से कुछ कड़े फैसले भी लिए जा सकते हैं। जहाँ तक बात इस बीमारी को लेकर है तो प्रिपेयर्डनेस को लेकर है, उसको लेकर कल सभी राज्यों ने इस बात को लेकर इन्फॉर्म किया था कि उनके राज्य किसी भी स्थिति से लड़ने के लिए फिलहाल पूरी तरीके से तैयार नजर आ रहे हैं। एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि ये माइल्ड वायरस है, यानी कि बहुत ज्यादा जानलेवा ये वायरस नहीं है, लेकिन इसको कमजोर रखना भी गलत होगा। JN.1 जो वेरिएंट है ये BN के बाद आया हुआ है और उससे स्ट्रॉन्ग वेरिएंट इसे माना जा रहा है, जिसके चलते हम देख रहे हैं लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन साफ तौर पर सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है, लेकिन इस बीमारी को रहकर अलर्ट मोड पर रहना है और वो तमाम चीजें जो मास्क जैसे हम लोगों ने फॉलो की थी, ऐसी जगह जो हॉटस्पॉट बन रही है, केरला में ये एडवाइजरी ऑलरेडी जारी कर दी गई है, सीनियर सिटीजन, प्रेग्नेंट औरतें और कोमॉर्बिडिटीज के शिकार जो लोग हैं उनको मास्क पहनने की हिदायतें वहां पर जारी कर दी गई है। तो इस तरीके की छोटी छोटी चीजें हैं जिनको अब राज्य सरकारें शुरू कर रही है और एयरपोर्ट पे चेकिंग होगी कि नहीं इसको लेकर भी फैसला आने की उम्मीद है। जी जी।